इन चिड़ियों की एक खासियत है, ये सेब के बगीचों में बैठती हैं और यहाँ से दाना चुगती हैं, पता नहीं क्या चुगती हैं नीचे से, और फिर एकदम उड़ जाती हैं सारी की सारी, और फिर कुछ टाइम बाद वापस उसी डायरेक्शन में आती हैं, फिर बैठ जाती हैं। और यहाँ पे बोला जाता है इनको बालर। ये एक झुंड होता है बहुत बड़ा, 2000 चिड़ियों से लेके कम से कम 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार का इनका ग्रुप होता है। और सबसे ख़ास बात है, ये चिड़ियाँ सिर्फ जो दिखाई देती हैं, ये दिखाई देती हैं सिर्फ सर्दियों में, यानी कि जो आजकल का महीना है। कहा जाता है यहाँ पे कि जब भी ये चिड़ियाँ इस तरह से उड़ती हैं तो उसके अगले दिन यहाँ पे भारी स्नोफॉल होता है। अब आज हम भी इसको ट्राई करेंगे, देखते हैं कि कल क्या सुबह स्नोफॉल होता है। बर्फ़ में चलते हुए सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर जूतों में बर्फ़ चली जाए फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। धीरे धीरे ये बॉडी टेम्परेचर की वजह से पिघलनी शुरू होती है और सॉक्स आपके गीले हो जाएंगे, उसके बाद बहुत ठंड लगेगी। ये यहाँ पे सेब के बगीचों में कुछ शेड्स नज़र आएंगे आपको। यहाँ पे कोई रहता नहीं है, आजकल नेचर के साथ में सच बात तो ये मैं कुछ ज़्यादा ही मज़े ले रहा हूँ। कितना अच्छा है ना, भीड़ भड़ाके से दूर अपने मज़े लो। आजकल मैं हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से नेचर के साथ में घूम रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है शहरों की भीड़ भड़ाके से दूर। और कल रात को यहाँ पे स्नोफॉल हुआ, आज यहाँ पे धूप खिली है और धूप में जो नज़ारा है बर्फ़ के बीच का वो बड़ा ज़बरदस्त रहता है, तो मुझे लगा मैं आपको ये भी दिखा दूं आज। फ़िलहाल मैं यहाँ पे जंगल में घूम रहा हूँ, मेरे सिवा यहाँ पे कोई नहीं है, अगर होंगे तो जंगली जानवर, चिड़िया वगैरह। अभी बर्फ़ की ये शुरुआत है, धीरे धीरे यहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल होना शुरू हो जाएगा। आप में से जो भी अगर कोई इंजॉय करना चाहें, अगर आना चाहें, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप शहरों में ना जाइए। शिमला, मनाली, इतना ज़्यादा भीड़ भड़ाका है वहाँ पे आजकल। जो टूरिस्ट हैं वो खुद शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि किस तरह से जाम लगा हुआ है मनाली में, रोहतांग में, शिमला में। तो आप
गांव की तरफ आइए, ऑफ बीट आपको होम स्टेज आपको मिल जाएंगे। अब लगभग लगभग हिमाचल के जो भी इस तरह के गांव हैं वहां पे आपको होम स्टेज, सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउसेज काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। छोटे छोटे होटल आपको मिल जाएंगे, आप चाहें तो वहां रुक सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ में बर्फ़ का नज़ारा ले सकते हैं। आने वाले दिनों में यहाँ पे जो स्नोफॉल होता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, ख़ास करके जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे लगभग आपको 3 फीट 3.5 फीट तक का इस जंगल में बस स्नोफॉल हो जाता है, और फिर वो अप्रैल में जाके जो है स्नो यहाँ से पिघलती है, और वो पिघलती तापमान की वजह से नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो तापमान है काफ़ी कम रहता है, वो जब बारिश आती है अप्रैल में फिर उसकी वजह से पिघलती है। ये आपको एक रास्ता नज़र आ रहा है, ये यहाँ से जो जंगली तीतर हैं वो घूमते हैं यहाँ पे जंगल में, तो ये रास्ता उन्होंने बनाया हुआ है, वो आप देखेंगे। इस जंगल में आपको जंगली जानवर इस तरह से काफ़ी मिल जाएंगे घूमते हुए। मैं काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आ गया हूँ और यहाँ से आगे अब बस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, वो ऊपर जंगल शुरू हो गया और यहाँ तक सेब के बगीचे हैं। ये सेब के बगीचे हैं यहाँ पे, जिनके ये बगीचे हैं उनके घर काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं यहाँ से, क्योंकि बर्फ़ में अब 2 महीने तक वो लोग कोई नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ शेड्स हैं जिसमें सामान रखा जाता है, और एक वहाँ पर दिखाई दे रहा है एक घर है नेपालियों का। आइए उनसे बात करते हैं जरा, वो रहा वहाँ पे, ये नेपाली लोग रहते हैं यहाँ पे, आसपास में कोई बस्ती नहीं है। बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ओ कांसी बर्फ में खेलना आजा। यहाँ पे बच्चे हैं और कोई है नहीं यहाँ पे। अरे एक बात बता, सुना तेरे पास खरगोश भी है, दिखा कहाँ है, कितना खरगोश है। अरे कितने खरगोश हैं, कहाँ है, खुर में, खुर में बच्चे को, बच्चे जब बड़े होते हैं तो भी मर जाते हैं। अच्छा भी मर जाते हैं, चूहे की तरह छोटे छोटे। कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं पैदा हुए अभी नीचे, 8 बच्चे जी। ये तेरी गाय है जी, क्या नाम है इसका, रानी है, रानी रानी जी। वो देखो कैसे खड़े खड़े हैं खरगोश पे। हाँ बेटा शाबाश। अच्छा इसका नाम लाली है, रानी रानी। इसका नाम क्या है, इसका नाम अभी हमने नहीं रखा। अच्छा इसका नाम नहीं रखा, काजल, काजल, अच्छा अच्छा। काजल नीचे आके छोटे छोटे, हाँ दिखा दिखा दिखा, आ जा। कितने दिन का है ये, ये अभी तो बहुत हो गया, बहुत प्यारा बच्चा है। 8 है ऐसे, 8 है जी। सब कुछ कम देने वाली इधर है, हाँ। ज्यादा देने वाली ये जिसने 8 दी है। अच्छा 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 जी, इनका घर है जी, हाँ जी इनका घर है जी। दिखा दो,
इनका ये ये अंदर देखो कोने में इनका खोरिया देखो। अच्छा अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करो, ये देखो बच्चे कोने कोने में गए सारे बच्चे। बेचते हैं जी जी। इनका नाम रखा हुआ है? नहीं इतने सारे का नाम कैसे रखना। नहीं ये आपकी तरफ देख रहा है, ये दिख रहा है कौन आ गया है ना जी। किसने खाया? कुत्ते ने जो था तो हमने उसे भगाया सारे खरगोश खा गए। सबसे हमारे बहुत थे खरगोश। अच्छा कोई 30 पुक गए थे। छोटा मत मैं भाग जाते नहीं वाह भाग जाएगा ना है भाग जाएगा नीचे रखा तो अगर मैं रखूं भाग तो नहीं जाएगा? भाग जाएगा, भाग जाएगा। नहीं नहीं फिर नहीं रखूंगा ना। अच्छा ये ले लो आपको डंडा। हाँ ये पकड़ आजा। तुम लोग यहीं खेलते हो अकेले? पड़ोसी कौन है तुम्हारा? यहाँ और नहीं बच्चे? नहीं और कोई नहीं है? नहीं। तो अकेले खेलते हो? जी। अच्छा चलो ठीक है। उसका नाम क्या है? असल में मेरा नाम निर्मला है। असल में निर्मला जी। अच्छा और तेरा नाम क्या है? मेरा नाम उषा। उषा और उसका नाम? निशा। निशा उषा निशा बोलू निर्मला। अच्छा अच्छा तो आजकल ठंड नहीं लगती यहाँ? नहीं है? नहीं क्यों? आजकल तो बर्फ में डूबते कभी कभी छलांग देते। बर्फ में डूबती है मजा आता है? ये पहले हमारे पास पहले बहुत सारी बकरियां थी। फिर कहाँ गई? हमने बेच दी उनको सारे। सारी बकरी बेच दी जी। वो बहुत पहले गाय के साथ भी लाई थी ना हमने, एक के लिए थी गाय तब लाई थी। अब तो गाय के पास तीन है ना, तब हमने लाई थी वो बेच दी। जब वो गई ना तब गाय उसको पकड़ने के लिए ऐसे दौड़ी ना पोरे पोरे से और उसको पकड़ने पा गई चली गई वो नीचे। अच्छा बेच दी हमने उसे। हमारे पास पहले बहुत सारे थे। अच्छा तुम्हारे को यहाँ अच्छा लगता है? जी है यहाँ पड़ोसी तो है नहीं कोई बच्चे भी नहीं है कोई। अच्छा लगता है खेले हम चार बहन तब भी खेलना अच्छा लगता है। वो देखो पार्क से खेल रही है। अच्छा आपस में खेलते हो जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ बर्फ में अच्छी लगती है ना जी। कितना अच्छा है यहाँ पे। तो तूने वो नहीं पहना? नहीं, चप्पल नहीं पहनी? खाली फिटे में करते है और अच्छा लगता है। ठंड नहीं लगती? नहीं। अच्छा ओहो चलो ठीक है शाबाश खेलो खेलो है ना जी। अभी खरगोश के साथ खेलते है। खरगोश के साथ जी। हाँ खरगोश प्यारे होते हैं जी। पहले हमारे पास बहुत हमने एक बार वो चिड़िया पकड़ी थी ना। हाँ? चार पकड़े थे पर हमने उसे छोड़ दिए थे। अच्छा और क्या क्या आता है यहाँ पे? भालू तो नहीं आता? हाँ आया था एक बार हमारे रॉकी को ले गया था। हमारे ये नहीं बनाया था ना हमारा भारी खुला रोसे था ना ये दीवार दुवार नहीं लगे थे हम जल्दी बाहर चले गए। उस दिन लेट हुआ ना तब वहाँ पे ऐसा बाघ उसने हमारे सेब सारे नीचे फेंक दिए। हाँ? तब रॉकी उधर से आया दूर के पता नहीं कहाँ चला गया। फिर वापस आया दो दिन आया हमारे बाग एक परे एक इधर हम इसको ले जाने वाला था तब हमारे रोसे वहाँ पे था। ओ, तो फिर वो रॉकी को ले गया कुत्ता है रॉकी? हाँ? रॉकी भी बच गया। रॉकी उधर से गए नीचे बाद में आया वो जब बाघ चला गया। हमारे को दो तीन बार आ गए हैं बाघ और हम देख भी लिया हमने उसे। बाघ देखा था जी? अच्छा में देखा हमने तो उसे। हाँ। बड़े मुछे हाथ मुछे वाला था जी। मुछे वाला तुमने भी देखा जी? हकीकत में देखा हमने तो। अच्छा डरने लगा? नहीं। अच्छा पापा अंदर थे मम्मी ने वो लिया था ना लकड़ी लिया था ना मारने के लिए मम्मी से डर ही नहीं। वो रॉकी भागे वो नहीं इधर को आना था वो रॉकी भागे तो वो उधर को चला गया। पापा तो ड्रम फेंका क्या क्या फेंके पापा ने तब भी नहीं गया। हमारे पास पटाखे नहीं थे ना तब हमने ड्रम ड्रम फेंके उसको भगाया। अच्छा जी। अच्छा अच्छा अरे तूने चप्पल नहीं पहनी हुई? ठंड लग जाएगी? नहीं लगी। नहीं लगती? तेरे को बिल्कुल ठंड नहीं लगती? नहीं। अच्छा ओहो बर्फ में घूम रही है ऐसे ही?
कमाल है ये भी। मैं पूरा पैक होके आया हूँ, ग्लव्स पहने हुए हैं, उसके बावजूद ठंड लग रही थी, और ये बच्चे बर्फ में ऐसे ही खेल रहे हैं। ये है इंसान की बॉडी, जैसी इसको बनाई जाए वैसे ही बन जाएगी। अच्छा चलो ठीक है फिर, है ना, अब हम जा रहे हैं। ठीक है चलो, ओके बाय 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 बाय। इन बच्चों को भी एकांत पसंद है, हालांकि यहाँ मैंने पूछा आसपास कोई बच्चे है नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं हम चार बहनें हैं और हम आपस में ही खेलते हैं, नेचर के साथ में ये लोग रहते हैं, यहाँ आसपास में कोई घर है नहीं और ये बच्चे अकेले खेलते हैं।